10 बजे से किसान दिल्ली कूच के लिए निकलेंगे, लेकिन दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर, चाहे यूपी से लगने वाली सीमा हो या हरियाणा से लगने वाली सीमा हो, कुछ इस तरीके से इंतजाम सुरक्षा बलों के द्वारा किए गए हैं, प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। ये मैं आपको इंतजाम दिखा रहा हूँ, जब दिल्ली पुलिस की तरफ से और यूपी पुलिस की तरफ से कुछ इस तरीके से बैरिकेड्स गाजीपुर बॉर्डर पर लगाए गए हैं। ये तस्वीरें मैं आपको गाजीपुर बॉर्डर की दिखा रहा हूँ, और गाजीपुर बॉर्डर वो हिस्सा है जहाँ पर यूपी की सीमा दिल्ली से लगती है। आप देखिए किस तरीके से 2 साल पहले भी इसी तरीके से जब किसान आंदोलन हुआ था तो यहाँ पर ऐसे इंतजाम किए गए, तो एक बार फिर से हम कुछ वैसी तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये फ्लाईओवर के ऊपर का हिस्सा है जहाँ पर आप देखिए कितनी भारी तादाद में बैरिकेड्स यहाँ पर लगे हुए हैं, और इसकी वजह से अब सीधा असर पड़ता है लोगों के जीवन पर, क्योंकि सुबह का समय है, लोगों को दफ्तर जाना है, और अब ऐसे में यहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। आप देखिए क्रेन्स के द्वारा यहाँ पर बड़े बड़े कंक्रीट के बोल्डर्स यहाँ पर लाए जा रहे हैं। पूरी कोशिश ये है कि मेरठ या बाकी जो आपका पश्चिमी यूपी है, जहाँ पर जहाँ से किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, उनको किसी भी हाल में दिल्ली की तरफ ना जाने दिया जाए। हम आपको सीधा ताज़ा तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से क्रेन के जरिए, आप देखिए बड़े बड़े कंक्रीट के बोल्डर्स यहाँ पर, बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, और पूरी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से किसानों को दिल्ली में प्रवेश ना करने दिया जाए। कल चंडीगढ़ में किसान नेताओं की और केंद्र सरकार के मंत्रियों की बैठक हुई थी, और उसमें बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला, खासतौर से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर MSP पर कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद किसानों ने यह ऐलान किया कि अब दिल्ली कूच किया जाएगा। इसके अलावा सूत्रों से मिली जानकारी से एक जानकारी ये भी है सूत्रों के द्वारा जो मिली है कि किसानों पर जो केस दर्ज हुए थे पिछले किसान आंदोलन के दौरान, उस पर शायद सहमति बनी है, उसको सरकार वापस लेगी। लेकिन किसानों को कहना है कि हमारा मेन मुद्दा MSP है, और MSP जब सरकार गारंटी कानून नहीं बनाती तब तक प्रदर्शन चलेगा, यानी प्रदर्शन चलेगा। तो कुछ ऐसी तस्वीरें हम लगातार दिल्ली के आसपास देखेंगे, क्योंकि एक तरीके से किसान दिल्ली के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, अपना प्रदर्शन यहाँ पर जारी रखना चाहेंगे, लेकिन प्रशासन की पूरी कोशिश ये है कि किसानों को दिल्ली में किसी भी कीमत पर प्रवेश ना करने दिया जाए। इस बार थोड़ा फर्क है, मतलब किसानों के तेवर में भी फर्क है, और सरकार भी चाहती है कि किसी भी सूरत में आंदोलन ये लंबा खिंचे नहीं। हालांकि किसान आ तो रहे हैं, उनकी प्लानिंग क्या है वो यहाँ पे आने के बाद पता चलेगा, क्योंकि 2 लेयर्स की जो बातचीत हुई उस बातचीत के जरिए ऐसा नहीं है कि सरकार झुकी नहीं, उन तमाम शर्तों को माना, और MSP का जो मुद्दा है वहाँ पे सरकार थोड़ा और राय शुमारी करना चाहती है, और उसके बाद वक्त लगते ही मुझे लगता है कि शायद इस पर भी सहमति बन जाएगी, क्योंकि जब कृषि कानून वापस ले लिया गया तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस बीच में जरा वही तस्वीरें दिखाऊंगी, ट्रैफिक अब पहले की तुलना में ज्यादा है, पर ट्रैफिक की स्थिति मैं जरा दिखाती हूँ। बस एक ही रूट में, मतलब इधर से जाने वाली गाड़ियों की रफ्तार कम कर दी गई है, उधर से आने वाली गाड़ियों को अब दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, ये अब सूरत यहाँ पे, यानी आम लोगों की परेशानी चौगुनी होने जा रही है। दिल्ली में लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जानी है, और इसी बात को भांपते हुए सरकार की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं और जो जगह जगह पे टीमों की तैनाती की गई है, उसके पीछे मकसद यही है कि सरकार चाहती है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था ना रुके, देश की राजधानी जहां से पूरा देश चलता है, उस दिल्ली को कहीं भी किसी सूरत में दिक्कतें ना आए, और जो पुलिस की तरफ से तैयारियां है वो अब बदलती जा रही है। अब ये देखिए, ये जो बड़े बड़े बैरिकेड्स हैं इसको उठा के दूसरा जगह पे मूव किया जाएगा, और ये पोकलैंड मशीनों के जरिए मूव करके, और अब ये एक और लेयर की सुरक्षा व्यवस्था, यानी सिर्फ यहाँ पाबंदी नहीं रहनी है, यहाँ पे तो अभी गाड़ियों की आवाजाही आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऊपर से जरूर निर्देश आए हैं जिसके बाद इन सभी को, जो आपात स्थिति के लिए रखा गया है, इन सभी को यहाँ से मूव करके ले जाया जाएगा। और एक दूसरी, जबकि हमने देखा था 2 साल पहले जो आंदोलन हुआ उसमें भी कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की जाती थी, तो अब इसके मूवमेंट का काम शुरू हो चुका है, और यहां से इसे मूव करके एक और लेयर की बैरिकेडिंग, यानी जो किसान वहां से मूव कर चुके हैं उसके बाद सारे डिसीजंस बदलते जा रहे हैं, यानी अब आपात स्थिति से निपटने के लिए। और ये जो गाड़ियों की आवाजाही है ना, अब ये कुछ देर में इस तरीके से देखने को नहीं मिलेगी, यानी अब जो लोग आ जा पा रहे हैं वो आसानी से नहीं आ जा सकेंगे। दिल्ली पुलिस की पूरी तैयारी है कि कई लेयर्स की बैरिकेडिंग की जाए जिससे किसान किसी भी सूरत में इन इलाकों में ना गुजरे, और जगह जगह अनाउंसमेंट भी होना शुरू हो चुका है, यानी 10 बजने के साथ ही अब ये तस्वीरों में तब्दीलियां, रैपिड एक्शन फोर्स उसी तरीके से, लेकिन मैं तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर देख पा रही हूं, वहां से लेकर दूसरी छोर तक जहां भी देखिए आपात स्थिति के लिए इस रोड पे बैरिकेड्स रखे गए हैं, और इन सभी का मूवमेंट अब शुरू हो चुका है। ये इस वक्त की बदलती हुई तस्वीर, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन चढ़े शायद यहां से कुछ और भी इस तरीके की तस्वीरें आए।